Hello viewers, how are you? I hope you all are fine. Welcome back to my channel Psychology Seekho. This is Shivangi Mishra, back to you with the next video, A to Z of Positive Parenting. So hello mommies and daddies, this video is for you. So, aaj hum kya padhne wale hain? A to Z of Positive Parenting. So what A to Z of Positive Parenting stands for? Isme hum A to Z से स्टार्ट होने वाले ऐसे ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ऐसे ऐसे टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि पॉजिटिव पेरेंटिंग को दर्शाते हैं या पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ इशारा करते हैं. सो ए फॉर ऑथोरिटेटिव पेरेंट. व्हाट ऑथोरिटेटिव पेरेंट स्टैंड्स फॉर, व्हाट इट इज एग्जैक्टली. तो ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स के कैसे बच्चे होते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑथोरिटेटिव पेरेंट के सेल्फ रिलायंट बच्चे होते हैं, इंडिपेंडेंट बच्चे होते हैं, एकेडमिकली सक्सेसफुल बच्चे होते हैं और वेल बिहेव्ड बच्चे होते हैं. इसीलिए ऑथोरिटेटिव पेरेंट होना बहुत जरूरी है बिकॉज ये पॉजिटिव पेरेंटिंग कहलाती है. हाउ टू बिकम ऑथोरिटेटिव पेरेंट. सबसे पहले तो बी रिस्पॉन्सिव टू योर चाइल्ड. अगर आपका बच्चा आपको कुछ कह रहा है तो आप रिस्पॉन्सिव बने और उन्हें जवाब दें, उन्हें इग्नोर ना करें, वरना वो नेक्स्ट टाइम से आपसे कुछ भी शेयर करने से पहले बहुत कतराएंगे और आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे. तो उनकी छोटी से छोटी बात पे भी गौर कीजिए, उन्हें रिस्पॉन्स दीजिए. इफ द चाइल्ड फेल्स टू मीट योर एक्सपेक्टेशन, बी मोर नर्चरिंग एंड फॉरगिविंग रेदर देन पनिशिंग. अगर आपके बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ एग्जाम के मार्क्स स्कोर्स या फिर अकेडमिकली या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मेरा बेटा डांसर बने लेकिन वो इतना अच्छा डांसर नहीं बन पा रहा या एनीथिंग लाइक दैट, कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे अगर वो खरे नहीं उतरते हैं तो रेदर देन पनिशिंग, उन्हें पनिश करने की बजाय उन्हें और ज्यादा नर्चर कीजिए, उन्हें माफ कीजिए, उन्हें फॉरगिव कीजिए, सो दैट उनके अंदर भी वही नेचर आए और वो कभी भी अग्रेसिव ना बने, वो भी अपने अंदर फॉरगिविंग नेचर लेकर आए, नर्चरिंग लेकर आए और अपने अंदर, क्योंकि बच्चा वो कभी नहीं सीखता. सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है पेरेंटिंग का, पॉजिटिव पेरेंटिंग का, जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चा वो कभी नहीं सीखता जो आप उसे कहते हो. बच्चा हमेशा वो सीखता है जो वो देखता है. अगर आप उसे उसके सामने नर्चरिंग करना या फॉरगिविंग करना या कुछ भी अच्छी आदतें सिखाएंगे, आप उसके सामने अच्छी आदतें फॉलो करेंगे लाइक फोन कम यूज करना या बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना, तो अगर वो यही चीज देखेगा तो वो सीखेगा. ना कि आप उसे बोलोगे फोन में लग के कि भाई फोन यूज मत कर, तो वो फोन यूज नहीं करेगा. इट्स नॉट गोना हैपन. तो बच्चा वही देखता है, वही सीखता है जो वो देखता है, ना कि जो कि वो सुनता है या आप उसे जो बोलते हैं. सो आपको अगर अपने बच्चे में कोई कमी ठीक करनी है तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो कहाँ से वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ से वो चीज़ देख रहा है और सीख रहा है, और उसे वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहिए. मेक देयर मिस्टेक्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम. अगर वो कुछ मिस्टेक करते भी हैं तो भी उस मिस्टेक को उनके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, उन्हें दिखाइए, उन्हें जताइए, उन्हें बताइए कि उन्हें इस गलती से क्या सीखना चाहिए रेदर देन पनिशिंग. यूज रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स टू मोटिवेट देम, हाउएवर दैट डज मीन टू शॉवर देम विद कॉस्टली गिफ्ट्स. इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स जब भी हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लिक होती है पैसों से रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट, इट्स मोर देन दैट, इट्स बियॉन्ड दैट. कि हम हमेशा इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स के नाम पे ये नहीं कि हम पॉकेट मनी बढ़ा देंगे या हमें तुम्हें पॉकेट मनी देनी शुरू कर देंगे या फिर मैं तुम्हें बाइक ला कर दूंगा या फिर मैं तुम्हें कार ला कर दूंगा, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. हम कभी कभार वर्ड से भी उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं. हम कभी कभार उन्हें अप्रिशिएट करके, उन्हें एनकरेज करके, उन्हें मोटिवेट करके भी उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं. जैसे अगर बच्चे ने कुछ भी अच्छा काम किया, अगर उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, जैसे उनसे अगर कम मार्क्स आए हैं, अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम है लेकिन फिर भी उनके पिछली बार से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो रेदर देन पनिशिंग, रेदर देन कंप्लेनिंग, आप उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वाओ आपका तो प्रमोशन हुआ है, पिछली बार आपके इतने मार्क्स आए थे, अब आपके इतने मार्क्स आए हैं. सो आप उन्हें इस तरह से भी रिवॉर्ड कर सकते हैं. हमेशा सिर्फ पनिश करके नहीं रखना चाहिए, फाउंडेशन देके नहीं रखना चाहिए बच्चों को. ये स्टार्टिंग से ही सीरीज चली आती है. तो उन्हें हमें हर कदम कदम पे इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स देने चाहिए, नॉट ऑलवेज विद कॉस्टली गिफ्ट्स और मनी, उसके अलावा बोल कर भी या किसी और तरीके से भी. इस्टेब्लिश क्लियर रूल्स, और आपके क्लियर रूल्स होने चाहिए जो कि वो फॉलो करें.
और ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बहुत डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो कि अभी क्यों उठा है, अभी क्यों नहीं उठा, अभी सो जा, अभी पढ़, अभी ये कर. नो, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट आपकी एक लिमिट होनी चाहिए, आपके रूल सेटअप होने चाहिए जो कि वो एग्री करें, जो कि वो समझे और जो कि वो फॉलो करें. लेकिन बहुत हार्शली नहीं, बहुत सॉफ्टली. और वो कब होगा? जब आप खुद उन्हें फॉलो करेंगे, जब वो देखेगा कि भाई घर का पूरा परिवार जो है वो 10 बजे आकर सो रहा है और 7 बजे या 9 बजे आकर डिनर कर रहा है, या जब भी जो भी आपका टाइम है कंफर्टेबल उतने बजे आकर डिनर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अकेले जाकर रूम में नहीं बैठेगा, उसकी भी आदत हो जाएगी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने की. बट अगर फैमिली में सब अलग अलग खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो यही देखेगा, यही सीखेगा. आप चाहे उन्हें कितना भी सिखा लो कि हम ज्वाइंट फैमिली, वो ये चीज़ नहीं सीखेगा. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. सो बेसिकली कंबाइनिंग वार्म्थ, सेंसिटिविटी एंड द सेटलिंग ऑफ लिमिट्स इज एन अप्रोच टू ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग. किड्स रेज्ड इन दिस स्टाइल आर लेस लाइकली टू हैव डिप्रेशन. और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इससे उन्हें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होती है. क्योंकि जिनके पेरेंट्स ऑथोरिटेटिव होते हैं उनके पेरेंट्स लेस लाइकली टू हैव डिप्रेशन माने जाते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा बी, बी फॉर बिलीव्स एंड बिहेवियर्स. सो वॉट बिलीव्स एंड बिहेवियर्स सजेस्ट फॉर पॉजिटिव पेरेंटिंग. पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट बाय देयर बिलीव्स एंड ऑल्सो बाय देयर बिहेवियर. एंड फॉर मॉडर्न जनरेशन किड्स, पेरेंट्स मस्ट ऑल्टर देयर ओल्ड बिलीव्स. सो पेरेंट्स जो हैं कई बार इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट को स्टार्टिंग से ही अपने बिलीव्स और बिहेवियर्स के द्वारा. यानी कि जो उनके ओल्ड बिलीव्स हैं वो चाहते हैं कि वही चीज़, वही ट्रेडिशन, वही ओल्ड बिलीव्स जो है वो फॉलो करे हमारा बच्चा भी, तो वो उनकी डेवलपमेंट उसी हिसाब से करते हैं. एंड लेकिन जो मॉडर्न जनरेशन किड्स होती है, यानी कि जब वो वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स ऐसे फिगर बन जाते हैं जिन्हें अपने ओल्ड बिलीव्स को ऑल्टर करना चाहिए नए बिलीव से. यानी कि उन्हें थोड़ी डेवलपमेंट, थोड़े जनरेशन चेंजेस, थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंजेस, थोड़े माइंडसेट चेंज करना इन्हें आना चाहिए पेरेंट्स को. सो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कि आइडेंटिफाई द एक्शंस एंड बिहेवियर्स दैट आर क्रिएटिंग ट्रबल्स इन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स. सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए जो भी एक्शन और बिहेवियर ट्रबल क्रिएट कर रहा है मम्मी पापा और बच्चों के बीच के रिलेशनशिप को, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को. जो भी एक्शन या बिहेवियर ट्रबल कर रहा है, सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस टॉपिक की वजह से ही हमारे बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं. फिर पेरेंट्स शुड बिकम अवेयर ऑफ द बिलीव्स दैट माइट बी ड्राइविंग दिस बिहेवियर. उसके बाद फिर पेरेंट्स को पता होना चाहिए, दे शुड बी अवेयर कि कौन सा बिलीफ है जिसकी वजह से ये बिहेवियर बार बार ट्रिगर हो रहा है. चेक इफ द रीजन बिहाइंड द चेंज इन बिहेवियर इज जेन्युइन और जस्ट अ मिसकंसेप्शन. उसके बाद फिर चेक करना चाहिए कि वो रीजन जेन्युइन है भी या सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है. फाइनली पेरेंट्स शुड डिसाइड ऑन द न्यू एक्शंस ऑफ बिहेवियर दैट दे डिजायर. उसके बाद फिर पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए नए एक्शंस और बिहेवियर जो कि उनके बच्चों में डिजायर्ड है और जो कि उन दोनों के रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो टॉपिक चला आता है लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज, तो इस टॉपिक को लेकर तो सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं पेरेंट्स या रिलेशनशिप में, ठीक है. और दूसरा टॉपिक एक और है कि लड़कियों पे जो लेबल लगा हुआ है घर के सारे हाउस होल्ड काम करने का, और लड़कों के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है बाहर से पैसे कमा कर लाने का, तो इन दोनों में वर्सेस, ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जैसे एग्जांपल लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज का. तो पेरेंट्स का माइंडसेट क्या होता है कि पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों को अपना सारा कहना मानना सिखाते हैं और रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं एल्डर्स का, पेरेंट्स की सारी बातें मानना सिखाते हैं. तो बच्चा वही फॉलो करता है जब तक वो बच्चा होता है. जब वो सेंसिबल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे लगता है कि एटलीस्ट शादी का जो डिसीजन है वो लाइफ टाइम का है जो कि सिर्फ मेरा है, तो हमें पेरेंट्स के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चलना चाहिए. ऐसा उस बच्चे की थिंकिंग होती है. और पेरेंट्स की थिंकिंग होती है कि जब अभी तक बच्चे ने मेरी बात मानी है तो फिर शादी के लिए भी मेरी ही बात मानेगा, वो आर्ग्यू नहीं करेगा और सामने वाला जो बच्चा है हमारा, और वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा. तो जैसे कि वो अभी तक हमारी सारी बातें मानते आया है आगे भी मानेगा. तो उन्हें समझना चाहिए कि शादी जो है वो बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, दोनों को समझना चाहिए. तो इसीलिए ना तो बच्चों को बिल्कुल भाग के लव मैरिज करनी चाहिए और ना ही पेरेंट्स को जो है किसी भी, चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोसाइटी हो, किसी भी प्रेशर में आके सबको दूर करके, किसी भी प्रेशर को दूर करके सिर्फ खुद के माइंडसेट से सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की खुशी कहाँ पर है. और दोनों को बैठ के आमने सामने बात करनी चाहिए
और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने चाहिए कि सामने वाला जो पार्टनर है जो आपके बच्चे को पसंद है, या फिर अगर आपके पेरेंट्स को पसंद है तो बच्चे को समझना चाहिए कि क्या वो सच में सही है उस बच्चे के लिए, और फिर शादी वहीं करनी चाहिए जहाँ सबकी रजामंदी हो, सभी हंसी खुशी आपको आशीर्वाद दें, और सोसाइटी की तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। दैट्स माय परसेप्शन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जैसे घर के काम हो गए तो सभी कामों पे फिल्टर से पानी भर के लाना, फ्रिज में पानी डालना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, कुकिंग सबसे स्पेशल, तो सब पे लेबल लगा हुआ है लड़की का, और एटीएम का लेबल लगा हुआ है लड़कों के ऊपर कि भाई अगर पढ़ाई नहीं की, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो फिर लड़की नहीं मिलेगी और अच्छे घर में शादी नहीं होगी, कौन बेटी का बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देगा, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये लेबल्स हटा के हमें बच्चों में ये सिखाना चाहिए, बच्चों को, हमें बच्चों के दिमाग में ये डालना चाहिए बचपन से कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, सेल्फ ग्रूमिंग या फिर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम होता है, कोई भी हाउस होल्ड एक्टिविटी होती है, तो उस पर किसी एक जेंडर का लेबल नहीं लगा हुआ है। अगर हमारा काम है तो हम खुद करेंगे, चाहे वो पैसे कमा कर लाना हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो खुद का काम हो, ठीक है। तो हमें ये चीज़ सिखानी चाहिए, हमें जेंडर बेस्ड कोई भी काम नहीं सिखाना चाहिए कि कल को ससुराल में जाएगी तो क्या करेगी, या फिर कल को बेटी का बाप तेरे हाथ में बेटी का हाथ कैसे देगा अगर तू जॉब नहीं करेगा तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। तो हमें कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए, हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि जॉब कर ताकि तेरे लिए अच्छा हो, तेरी फैमिली के लिए अच्छा हो, फ्यूचर फैमिली के लिए, और तू भी घर के काम सीख ताकि तेरे लिए अच्छा हो, और घर के काम तू भी सीख और पैसे कमाना तू भी सीख, यानी कि दोनों ही जेंडर को सारे काम, मतलब कोई काम जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए, सभी जेंडर को सारे काम आने चाहिए, सभी ऑलराउंडर होने चाहिए, सबको खुद का काम भी करना आना चाहिए, सबको बाहर का काम भी करना आना चाहिए, और सबको पढ़ने लिखने का और जॉब करने का हक होना चाहिए, इसमें कुछ जेंडर बेस्ड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स जो कि मेरे परसेप्शन के थे। एक्चुअली सम ऑफ द ओल्ड पेरेंटिंग बिलीव्स एंड थॉट्स कीप यू अवे फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग अ न्यू पेरेंटिंग स्ट्रेटजी। तो कुछ ओल्ड पेरेंटिंग बिलीव्स और थॉट्स जो होते हैं वो तुम्हें कभी कभार रोकते हैं मूविंग फॉरवर्ड मूव करने से और न्यू पेरेंटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करने से, यानी कि आप कतराते हैं न्यू पेरेंटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करने से अगर आपके दिमाग में ओल्ड बिलीव्स एंड थॉट्स हैं तो। बट इट्स टाइम टू ब्रिंग ऑल दोज बिलीव्स इन फोकस, लेकिन ये टाइम है कि आप वो सारे ओल्ड बिलीव्स को भी फोकस में रखो, डस्ट देम ऑफ, उन्हें भूल जाओ, एंड सी इफ इट ब्रिंग इन न्यू चेंजेस इन चाइल्ड बिहेवियर्स और जस्ट रीवैल्यूएट देम। और फिर देखना चाहिए कि मतलब आपको बस बेसिकली अपने बच्चे की खुशी में खुशी ढूंढनी चाहिए, लेकिन गलत का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका बच्चा कर रहा हो, चाहे वो कोई पड़ोसी कर रहा हो, चाहे आप वो खुद कर रहे हो। तो हमें गलत चीज़ तो किसी से भी नहीं सीखनी चाहिए, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हो, चाहे वो हमारा बच्चा हो, और सही चीज़ अगर हमें दुश्मन से भी सीखने को मिले तो हमें सीखनी चाहिए। तो ये था अभी, और नेक्स्ट सी और डी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।